अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ्रेंड्स, होप यू सो यू आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट बेसिक एजुकेशन लेक्चर, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। वी मस्ट नो अबाउट द टाइप्स ऑफ एजुकेशन। इट्स अ बेसिक लेवल टॉपिक एंड मोस्टली पीपल आर अनअवेयर अबाउट दिस। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एजुकेशन: फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। जो सबसे पहली चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन किसी भी स्टूडेंट का, किसी का भी जो है नॉलेज को गेन करना, या किसी में जो है डिज़ायर जो चेंजेस हैं उसके बिहेवियर में वो करना, वो एजुकेशन है। यानी एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्पेसिफिकली इन अ स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर द नॉलेज एंड स्किल वी गेट फ्रॉम। ऐसी जगह जहाँ से हम जो है नॉलेज या स्किल्स लेते हैं, या हम अपने बिहेवियर में चेंजेस करते हैं, हम कुछ सीखते हैं, उसे एजुकेशन कहते हैं। और एजुकेशन जो है ये राइट्स है हर बच्चे का। हर बच्चे का ये राइट है कि वो उसे एक अच्छी एजुकेशन मिले। और एजुकेशन जो है एक कम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इस चीज़ को हम देखेंगे फेजेस ऑफ एजुकेशन में। अब आज जो है, अब हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एजुकेशन: फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसमें एक ख़ास जो है वो एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। यानी ऐसी एजुकेशन जिसमें जो है प्रॉपर जो है वो गोल्स होंगे, पहले डिफाइन होंगे, एम्स डिफाइन होंगे, गोल्स डिफाइन होंगे, और देयर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होंगे वहाँ पे। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन का करिकुलम जो है, प्लान जो है वो ऑलरेडी जो है ना एक फिक्स्ड होगा, एक रिजिड रूल्स होंगे, उसके मुताबिक सेटिंग होगी। और उसमें एक प्रॉपर प्रोविजन स्ट्रक्चर होगा। जैसे अब स्कूल लेवल पे देखें तो टीचर है, हेड टीचर है, उसके पास जो है एमईज़ भी चेक करते हैं, उसको एयूज़ भी चेक करते हैं, डिप्टी डीओज़। एक प्रॉपर उनका स्ट्रक्चर होता है और उनका एक प्रॉपर जो है करिकुलम होता है कि जो ऑल ओवर द पंजाब फॉर एग्जाम्पल एक करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, तो प्रॉपर सेट ऑफ करिकुलम है, प्रॉपर उनके जो है ना वो प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं। और इस तरह के फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते कौन से हैं? जैसे हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो हम रेगुलरली क्लासेस ले रहे होते हैं, ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते हैं। और इसी तरह इसमें जो टीचर्स होते हैं वो ट्रेन टीचर होते हैं। और इसमें जो जब डिग्री मुकम्मल होती है उसके बाद प्रॉपर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री वगैरह दी जाती है। तीन चार चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। एक ये कि इस तरीके एजुकेशन में जो रूल्स हैं वो सख्त होंगे, प्री डिफाइंड होंगे, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, इस लेवल की एजुकेशन जो होती है वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। इसमें प्रॉपर हर चीज़ का स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो टीचर्स, जो स्टाफ होता है वो ट्रेंड स्टाफ होता है। अब दूसरी टाइप में चलते हैं हम, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन, ये इसकी सीटिंग तो सेम लाइक क्लासरूम की तरह होती है। यानी अब आपने डिफरेंस को समझना है, इसकी सीटिंग तो सेम लाइक क्लासरूम की तरह होती है, लेकिन यहाँ रिजिड रूल्स नहीं होंगे। यहाँ क्लासेस को मिसिंग किया जा सकता है। अब स्कूल्स हैं तो अब गवर्नमेंट का स्कूल एक स्ट्रक्चर, अब अपनी मर्ज़ी से नहीं कि ये कल छुट्टी कर दो, परसों छुट्टी कर लो, या आज हम क्लास नहीं लेंगे, इस तरह के रूल्स यहाँ पे नहीं होते। यहाँ पे जो फॉर्मल एजुकेशन में रिजिड रूल होते हैं, जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में वो सिटिंग लाइक तो उन्हीं तरह की तरह होती है, लेकिन रिजिड रूल्स नहीं होते। जैसे लिटरेसी स्कूल देख लें, अब लिटरेसी स्कूल गवर्नमेंट मुख्तलिफ डे वगैरह पे और मुख्तलिफ जगह पे बनाए हुए हैं, वहाँ पे कोई प्रॉपर कोई सख्ती के साथ रूल नहीं है। बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आएँ या उनके पास बुक्स हैं या ये चीज़ें जो है ना वो सख्ती से नहीं। और दूसरे गवर्नमेंट ने ये जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे कि जो बच्चे जो जिनकी एज ज़्यादा हो गई है और वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए उनको किसी तरह का लालच दे के उनको भी बुलाया गया। यानी ओल्डर पीपल जो हैं वो भी वो लिटरेसी एजुकेशन के तहत वो भी एजुकेशन हासिल कर रहे थे। इसी तरह हमारी जो मुख्तलिफ मीटिंग्स होती हैं, जो सेमिनार्स वगैरह अटेंड करते हैं हम, वर्कशॉप्स लेते हैं, या शॉर्ट कोर्सेज वगैरह हम करते हैं, या हम पर्सनल डेवलपमेंट की कोई क्लासेज ले रहे होते हैं, या म्यूज़िक की क्लासेज ले रहे हैं, ये सारी जो हैं ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगी। कि यहाँ पे कोई ऐसा इसको
पोस्टपोन किया जा सकता है, टाइम को एडजस्ट किया जा सकता है, टॉपिक को बदला जा सकता है, करिकुलम के से हटके जो है ना वो चला जा सकता है। तो ये वाले जो होंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगी। इस तरह डिस्टेंस एजुकेशन जिसमें ये हफ्ते में जो वीकली क्लासेस होती हैं, जो इस तरह ओपन यूनिवर्सिटी का निज़ाम है कि वो 6 मंथ में जो है ना एक दो वर्कशॉप होगी, और इसी तरह जो है यानी कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं हर चीज़ का कि सुबह आना है यूनिफॉर्म पहन के आना है, सुबह आना है 8 बजे और 2 बजे छुट्टी होगी, यानी इस तरह के रिजिड रूल्स वगैरह नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन है जो है वो भी इसी में आती है। फॉर्मल ये प्राइवेट जो है हम एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, प्राइवेट डिग्री कर रहे हैं, वो भी इसी चीज़ में आती है। थर्ड जो है वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में भी एक ये भी देख लें कि एक तो सीटिंग प्रॉपर नहीं होगी, नो रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी, रिजिड टाइम टेबल हमारा नहीं होगा, वो एडजस्ट किया जा सकेगा, एज की इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें करिकुलम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इस तरह हम कंप्यूटर की क्लासेस लेते हैं, कंप्यूटर के जरिए क्लासेस ले रहे हैं जो जैसे ऑनलाइन मैंने कहा, तो ये वाली भी क्या होंगी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होंगी। इसके साथ है इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो लाइफ लॉन्ग चल रही होती है। लाइफ लॉन्ग मतलब कि जो पैदा होने से लेके मरने तक जो कुछ हम सीख रहे होते हैं इस दरमियान में, जहाँ कहीं से सीख रहे हैं, वो वाली क्या होगी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होगा। स्पॉन्टेनियस है, ये मुसलसल चलता रहता है, कंटिन्यूस है, ये कभी स्टॉप नहीं होता। और ये जैसे अब देखें कि आपको बच्चे हैं या आपको घर वाले जो है, आपको पेरेंट, आपको जो है मादर फादर बिरादर कोई आपको नसीहत एडवाइस कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, या आपने कभी किसी से खुद धोखा खाया और आपको ये सबक मिला कि आइंदा मैंने इसके साथ ऐसा नहीं करना, तो इस तरह की चीज़ें जो आप मुसलसल सीख रहे होते हैं, लाइफ आपको जो सिखा रही होती है, वो सारी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। जैसे आप सफ़र पे गए हैं तो जर्नी से उस सफ़र से आपने जो सीखा, आप टीवी देख रहे हैं मीडिया से जो आप सीखा, आप साइनमा में फिल्म देख रहे हैं और वहाँ से आपने सीखा, आपने टीवी इंटरनेट या अपने फ्री टाइम में आपने कुछ सीखा, या आपने किसी को ऑब्जर्व किया या एडवाइस वगैरह, तो ये चीज़ें क्या होंगी इनफॉर्मल एजुकेशन होंगी। यानी इनफॉर्मल एजुकेशन वो किसी प्रॉपर जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं होगी, वो आपकी थ्रू आउट लाइफ चलती रहेगी और इसकी कभी एंडिंग नहीं है। स्कूल लाइफ की एंडिंग है जी आप जो है ना एमफिल करते हैं, आप जो है ना मास्टर करते हैं, आप बैचलर करते हैं, तो आपकी एजुकेशन वो फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट हो गई। लेकिन जो ये वाली है इनफॉर्मल एजुकेशन, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। अब इसके कंक्लूजन की तरफ आ जाएं, जो डिफरेंस भी याद रख लें और आपको जो सवाल जब आए क्वेश्चन पेपर में आए तो आपके जो है ना वो याद रह जाए, इससे डिफरेंशिएट करना आपके लिए आसान हो जाए। फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होगी कि जिसमें इंस्टीट्यूट जो है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये फॉर्मल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं। इसमें सख्त रूल्स होंगे, इंट्री और एग्जिट के रूल्स होंगे, यानी दाखिला लेने के लिए आपको जो है ना इम्तिहान देने पड़ेंगे, या प्रॉपर रूल सेट ऑफ रूल्स होगा जिसके तहत आप उसमें इंटर होंगे, आप वहाँ से लीव करेंगे, आपको एट द एंड जो है वो डिग्री दी जाएगी, उसका प्रॉपर करिकुलम होगा, उसमें प्रॉपर स्टाफ जो है वो ट्रेन टीचर्स होंगे, और मतलब हर चीज़ एक निज़ाम के तहत चल रही होगी जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी और सख्ती के साथ वो उनको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा होगा। जबकि नॉन फॉर्मल में आएंगे तो आप ये देखेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आपसे पेपर सवाल आ जाता है कि डिस्टेंस लर्निंग किस में आती है, ऑनलाइन जो है वो किस में आती है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन किस में आती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आती हैं। इसमें जो रिजिड रूल्स नहीं होते, टाइम एडजस्टेबल होता है, एज एडजस्टेबल होती है यानी फ्लेक्सिबल होती है, तो रूल्स जो है ना वो चेंज किए जा सकते हैं। और ओपन यूनिवर्सिटी का निज़ाम किसके तहत चल रहा है जी, वो इसी नॉन फॉर्मल के तहत चल रहा है। थर्ड है नो इंस्टीट्यूशन, इसमें कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, प्रॉपर किसी इदारे से तालीम हासिल नहीं होगी, इसमें आप मीडिया, आप टीवी देख रहे हैं, आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, आपने वहाँ से सीखा, और ये थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। कोई आपको कुछ बताता है, कहीं से आप कुछ सीखते हैं, चाहे आपने ऑब्जर्वेशन की, चाहे आपने फिल्म से देखा, आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी, कहीं से भी कुछ सीखा है, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन में आएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई भी मसला हो इस हवाले से तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इंशाल्लाह जैसे ये जो है सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स एंड होती है, उसके साथ इंशाल्लाह जो है वो प्रॉपर एमसीक्यूज़ की जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और आपके जो है लेक्चरर, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस वगैरह के लिए अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।